The food was really nice as well. जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। यावर हुसैन अपनी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त मैं स्विक सेंटर की बिल्डिंग पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज फ्लैग सेरेमनी का इहतमाम किया गया है। और आज इंशाल्लाह 14 अगस्त है और यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी, पूरी कम्युनिटी मिलकर यहाँ पर फ्लैग सेरेमनी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। मैं गुजार ये भी करता चलूँ कि इस वक्त पूरे बरतानिया में, क्या बरतानिया की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी झंडे को सरकारी बिल्डिंग पर लहराया जाए। यहाँ पर ये कानून पास हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का ये झंडा, जिसके ऊंचाई के लिए, जिसकी हमेशा तकद्दस के लिए पाकिस्तानी कौम ने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और आज भी तमाम कम्युनिटी मिलकर इस झंडे को ऊपर करने के लिए इंशाल्लाह यहाँ पर हाजिर हुई है। पाकिस्तान की आवाम की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है, यहाँ पर ये कानून है पास हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा झंडा हर साल 14 अगस्त को यहाँ पर लहराया जाएगा। ये तमाम इंतजाम आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त हो रहे हैं और झंडे की तैयारी हो रही है, और हर तरह से इंशाल्लाह पूरी कम्युनिटी मिलकर इस सेरेमनी में हिस्सा ले रही है। जी, इस वक्त मैं हुमैरा खालिद साहिबा जो हैं, हुमैरा खालिद वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और तो आइए इनसे पूछते हैं कि आज का दिन कैसा रहा और आज की ये 14 अगस्त की जो फ्लैग सेरेमनी थी, ये कैसी लगी। जी हुमैरा, क्या कहिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशा ए जवाल ना हो। अल्लाह करे कि हमारे पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की मिले, और वो हकीकी आज़ादी जिसके हम मतलाशी हैं, वो हकीकी आज़ादी हमें जल्द नसीब हो, हमारी नस्लों को नसीब हो, और हमें और हमारे बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल नसीब हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, इस वक्त मैं एशियन बिजनेस कनेक्शन के इस वक्त रूहे रहमान जो हैं, उनके लीडर जो हैं, यहाँ पर मौजूद हैं सेलिब्रेशन के मौके पर, आमिर मिर्जा। तो इनसे जानते हैं, आमिर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेलिब्रेशन, बिकॉज यू ऑलवेज केम टू अटेंड दिस प्रोग्राम, सो व्हाट डू यू थिंक टुडे? Yeah, it's wonderful. I think it's really, really important for us to come together and do so here in the Civic Center with our Pakistani community and to demonstrate, you know, what Independence Day was all about. It was a celebration. So bringing people together at such a time to celebrate one another is absolutely key, and demonstrating our connection with our home country as well as the country that we are in here now. So wonderful, and you know, Yawar, the power, you know, what can I say? Brilliant. Thank you very much. Thank you. यहाँ पर flag ceremony का इस्तेमाल किया गया है, और बिला तफरीक, बिला झिझक, बिला धड़क, मैं ये बड़ी खुशी से आपको बता रहा हूँ, इस वक्त तीन कम्युनिटी के मुख्तलिफ दोस्त जो हैं हमारे, हमारी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। और इंडियन कम्युनिटी के डॉक्टर आनंद हैं, और उनके साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी के मारूफ काउंसलर जनाब मेहरबान सादिक हैं, और एक्स मेयर भी हैं, और हमारे बेहतरीन दोस्त भी हैं बंगाली कम्युनिटी के मारूफ जो है ये रहनुमा हैं, ये हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमें मुबारकबाद देने के लिए, हमारे प्रोग्रामों में शामिल हमेशा होते हैं। तो आइए इनके ख्यालात पूछते हैं। डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है 14 अगस्त पर आकर? बहुत मजा आ रहा है। देखिए, जो पार्टीशन हुआ वो बहुत पुरानी बात हो गई। यहाँ हम लोग हैं, मिलजुल के रहना चाहिए, मस्ती करना चाहिए। और 8 तारीख को हम लोगों पर अटैक हुआ था,
और कितनी खुशी की बात है कि न्यूकासल एक खास लोग हैं जिनको वो डर के मारे आए भी नहीं। हमें बेहद खुशी है टू बी लिविंग इन न्यूकासल एंड टू मेक दिस माय होम। मैं यहाँ 46 साल से हूँ, दिस इज माय होम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब जी। इस वक्त काउंसलर और हमारे मारूफ रहनुमा हैं माशाल्लाह मेहरबान सादिक, जिनकी वजह से ये सारा एहतमाम हुआ, आगाज किया था जनाब हबीब रहमान ने, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक्स मेयर हैं। हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आप तशरीफ लाए हैं। मेहरबान सादिक साहब क्या फरमाइएगा इस मौके पर? यावर भाई सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशी की बात यह है कि आप देखें मौसम बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत प्रॉपर समर नजर आ रहा है जी। और 14 अगस्त को ये हमारी बहुत खुशी है और देखें हमारी कम्युनिटी गादर हो रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी शामिल है, सो इट गिव्स अ गुड स्पिरिट एंड दैट्स व्हाई वी लाइक टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड टुगेदर विद डिफरेंट कम्युनिटीज। थैंक यू वेरी मच जी। हबीब भाई आगाज आपके दौर में हुआ था और आप ही थे जिन्होंने इस चीज का आगाज किया था और कानून आपके दौर में पास हुआ था और मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि आप एक्स मेयर हैं इस वक्त न्यूकासल के और बंगाली कम्युनिटी के मारूफ रहनुमा हैं। आप क्या फरमाइएगा 14 अगस्त में आप शामिल हमारे साथ हुए, आपका बहुत शुक्रिया, क्या फरमाइएगा? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह डिलाइटेड टू बी हियर। बहुत ही एक खास दिन है जो आज 14 अगस्त का पाकिस्तान का जो झंडा हम उठाने वाले हैं जी। तो आपने सही बोला, ये मेरा ऑनर था चार साल पहले जो सबसे पहली दफा न्यूकासल में मैंने पाकिस्तान का फ्लैग उड़ाया। सो पाकिस्तान भी मेरा देश है, हर देश ही मेरा है, सो वी नीड टू सेलिब्रेट द हिस्ट्री एंड रिचनेस ऑफ एवरी कम्युनिटी एंड आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड टू बी हियर टू सपोर्ट द एंटायर कम्युनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हबीब साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। Yes, Mani, what do you think about this, the 14th of August, Independence Day? What do you think? I think it's very important for the community to come together. Uh-huh. It's an important event and I'm proud to be here. How do you feel? I feel very proud to be here, part of the community, and it's an important event. I think we should, I think more people should take part. Mashallah, mashallah. Yes, gentlemen, what do you think? I think it's a very nice thing that's going on and it's nice for the community to all come together. Celebrate and stay together. Oh, lovely. Mani, what do you think about it? You don't want to say anything. Ji. Assalamu alaikum. Sabko jashn-e-azadi bahut bahut mubarak ho. Ji. Kya kahenge is mauke par? Alhamdulillah, bahut acha lag raha hai. Sab log ikatthe ho rahe hain. Apni community sari ikatthi hui hai. To aise events hone chahiye ki apne bachchon ko bataye thoda sa apne Pakistan ke bare mein bhi, wo ki hum log kaise celebrate karte the. Ji. Aur ye apni generation ke aage hum pass on kare. आपको ये सारा सिलसिला अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो हमेशा ऐसे होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। इस वक्त प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और फ्लैग सेरेमनी रेडी है। इस वक्त ये हमारे देखिए हमारी سبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم عام کا جمع فقیر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ میئر ہیں نیوکاسل سٹی کاؤنسل دس اوبیسلی وی ریسائٹڈ دی قران فرام قاری صاحب فرام دی جامع مسجد بلال سینٹرل ناؤ آئی وڈ لائک ٹو آسک آور لارڈ میئر At this present moment in time, an occasion like this is very, very appropriate because today's event is not just about celebrating the birth of the nation, it's about celebrating the wonderful multiculturalism of our city. I first came to Newcastle as a student many, many years ago, and over the last 20 or 30 years or more, what has really gladdened my heart is to see that the way Newcastle has developed into the wonderful multicultural community that we have now and how harmonious it is and how well people live together. This has been tested, of course, in recent weeks, and I think during such difficult times,
for people to come together, and we've seen that in terms of demonstrations, which have been very positive in my part of the city in the West End, and events like this are just so important. It shows that our wonderful city, our city of sanctuary, embraces multiculturalism, and the Pakistani community adds so much to the life of our city. So it's wonderful for me to be here today. I'm pleased I brought the nice weather for you. I seem to do that on many occasions, and I look forward to supporting your community in the future. Thank you. Thank you so much. So I'll keep it incredibly brief. Wonderful to hear Rob and Miriam and Nabila's support of our amazing city here. I was proudly born on the banks of the Tyne. I'm a Geordie, as well as a very proud Pakistani as well. And you know, the thing that we have in Newcastle is a sense of community. And you know, we're hard-working individuals, we're proud, we're passionate, we're positive, and that's not just the Pakistani community, that's the whole of the Northeast. So I'm incredibly delighted, privileged to be here. The work that Mehrban and the rest of the team and the community do, you know, I feel a bit guilty coming along and snatching a little bit of the limelight. And that's not why I'm here. I'm really here to show my support for the unity and the community and the work that you all do. Thank you. जी दोस्तों, इस वक्त हमारी कम्युनिटी सारी माशाल्लाह नौजवान सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये मैं सबको दिखा रहा हूँ कि देखिए पाकिस्तान की खुशी के लिए, पाकिस्तान की झंडे को बुलंद करने के लिए यहाँ पर सब मौजूद हैं। ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ सब क्लोजअप करके, ताकि आप, वेदर बहुत अच्छा है, और ये देख लीजिए कि माशाल्लाह इस वक्त झंडे की को बुलंद करने के लिए भी सब लोग तैयार बैठे हैं। ये पूरी कम्युनिटी के लोग हैं जो आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूं। Two hours later. Assalamualaikum everyone. आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सुबह पहले रयान जो है वो जश्न आजादी की खुशियां न्यूकासल में मना के आए हैं, और वहां पे हमारा जो था परचम कुशाई वहाँ पर हुई है न्यूकासल में, जो हर साल होती है। तो फ्लैग की जो थी रेजिंग सेरेमनी थी वहाँ पर, तो रियान वहाँ गए थे। उसके बाद जब वापस आए हैं तो कहते हैं अब मैं बोर्ड हूँ मम्मी, मुझे मैनचेस्टर जाना है, क्योंकि असल जो मज़ा है वो मैनचेस्टर में। तो अब रियान की फरमाइश में हम इनको यहाँ ले आए हैं, तो अब रियान यहाँ इंजॉय करेंगे। तो अभी अभी हम पहुँचे हैं, तो अब हम देखते हैं आगे चल के कभी क्या अंदर क्या कुछ हो रहा है, तो देखते हैं चल के। तो रियान अब आप हैप्पी हैं? ऐसे कैसे हो सकता है कि 14 अगस्त हो और हम ना आए? तो शुक्र है। शो मी योर शॉल। ट्रेडिशनल लुक ही है आज तो, आप बिल्कुल पाकिस्तान का जो है ना फ्लैग बनी हुई है जी। रोया चले,
कहीं भी जहां हमने जाना था वहां जा नहीं सके, और इतना रश है कि हम सोचे थे कि शायद हमें यहां पे जगह नहीं मिलेगी, लेकिन लकीली शुक्र है कि हमें चले यहां पे जगह मिल गई है, क्योंकि रेयान तो वेट ही नहीं कर रहा था। तो ये देखिए, रेयान ने पहले मुझे आइसक्रीम ले दी, ऑलरेडी गया है आइसक्रीम, उसने कहा फूड का तो वेट मैं कर ही नहीं सकता। हाँ, तो बहुत बिजी है, तो लकीली कि हमें यहाँ जगह मिल गई है। और यहाँ का वैसे खाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, तो मैं तो बड़े इम्प्रेस हुई थी इनके खाने से और सर्विस से। आज देखते हैं कि आज क्या होता है। इनकी आइसक्रीम से बहुत ही अच्छी है, केक्स एंड आइसक्रीम जो है ना, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने डिजर्ट लिया था इनका, तो बहुत अच्छा था। रियान कैसी है, मैं बॉयज मिक्स ग्रिल तो ऑर्डर कर ली है, फ्राइज भी आ गई है, प्लेट आ गई है।
जाना इसलिए The food was really nice as well. Food अच्छा था. फूड अच्छा था, क्विक सर्विस, एवरीथिंग. इनका ये कि इनका प्रॉपर वो देसी खाना नहीं है, जैसे कढ़ाइयाँ और नान और सालन करी, ये चीजें नहीं है. इन लोगों का जो है ना थोड़ा स्ट्रीट फूड है, जैसे गोलगप्पे, दही भल्ले, चना चाट और समोसा चाट, और उसके बाद जो है वो ग्रीन डिशेज है इनकी ना. तो बस इनका जो है ना वो स्नैक्स टाइप की चीजें हैं प्रॉपर, लेकिन बहुत मजे का जो भी है बहुत अच्छा है. The grill, the grill is so nice as well. मगर देखिए रौनक तो ये देखिए अब शुरू है. अब शुरू हुई है जी. अब तो बिल्कुल रौनक शुरू है. तो चाय कौन सी पीनी है, कड़क या इंग्लिश? नहीं मेरा तो है कि कुछ देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं. कड़क चाय चलती है, ये हमारा फेवरेट है. क्या चीज है? अंडा वाला बैग है.